हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त भाई मोहित पारीक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन चैनल। तो दोस्तों, आ चुके हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि मैं अपने बजरी तोतों के लिए सीड मिक्स बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो भी बनाया जाए और एक रेशियो के हिसाब से बताया जाए कि मैं अपनी बजरी तोतों को कौन कौन सा सीड है जो देता हूँ और किस क्वांटिटी में देता हूँ और किस सीड की है जो तासीर गर्मी या ठंडी होती है। तो वो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊँगा। पहले ये बताना चाहता हूँ कि सभी भाई अलग अलग तरीके से सीड मिक्स देते हैं, सबका तरीका अलग अलग होता है। कुछ भाई है जो अपने बजरी तोतों को खाली कंगनी देते हैं, तो कुछ भाई अपने बजरी तोतों को खाली बाजरा देते हैं, तो कुछ भाई है जो 50-50% मिला के देते हैं। तो मैं अपने बजरी तोतों को किस तरीके से जो है वो सीड मिक्स देता हूँ। दोस्तों, बात यहाँ पे आती है कि अपने जो बजरी तोते हैं वो फिट रहने चाहिए, एकदम जो है वो तंदुरुस्त रहने चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखे, आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। शुरू करते हैं। ये दोस्तों एक खाली बाउल है जिसमें हम इस पूरे सीड को आपस में मिलाएंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये कौन कौन से सीड है और जो है इनकी क्वांटिटी क्या है और ये आपको कहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा बाजरी, आपको नॉर्मली कहीं भी किराने की दुकान पर मिल जाएगी। दोस्तों, बाजरी लाने के बाद इसे अच्छी तरीके से आपको धो के धूप में सुखानी है। और ये दोस्तों ये कंगनी है, ये आपको पंसारी की दुकान पर मिलेगी, इसे कंगनी सीड बोलते हैं। ये दोस्तों बजरी तोतों का खास जो है वो दाना ये होता है, मन पसंदीदा दाना। और उसके बाद है जो बाजरा होता है। दोस्तों, मेरे बर्ड्स बाजरा काफ़ी शौक से खाते हैं। और ये दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा ये सूरजमुखी के बीज है, सूरजमुखी के बीज, ये भी आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगे। और ये दोस्तों कुसुम दाना है, ये भी आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। और ये दोस्तों इसे जो बोलते हैं, जो, और इसके पास में जो पड़ी है ये जई है। दोस्तों, इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि इन दोनों का आप दाना देखें, जो जई होती है वो काफ़ी लंबी होती है और जो है वो काफ़ी छोटा होता है और मोटा होता है जो, और जई पतली होती है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है दोस्तों। कुछ भाई है जो जई की जगह जो उठा के लेके आ जाते हैं, जो की जगह जई लेके आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जई मिले तो जई ले आना, जो मिले तो जो ले आना। जो जई है वो भी ठंडी रहती है, जो है वो भी ठंडे रहते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने इनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है। और ये इस तरफ कुसुम बीज है, ये दोस्तों काफ़ी अच्छे रहते हैं अपने बर्ड्स के लिए जो है वो, ये बड़े टाइप के बर्ड्स को भी दिए जाते हैं। ये दोस्तों है जो एक एंटीबायोटिक के रूप में होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं दोस्तों बर्ड्स के लिए। और ये दोस्तों सूरजमुखी के बीज होते हैं, ये थोड़े है जो गर्म होते हैं, इसलिए दोस्तों। बाकी ये है जो काफ़ी ज़्यादा ऑयली होते हैं, इनके अंदर ऑयल पाया जाता है, ख़ास तौर पे फीमेल जब अंडे देती है तो एक बाइंडिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती। ये देख सकते हैं आप, ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ऑयली होता है जब फीमेल अंडे देती है, तो एक बाइंडिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये दोस्तों हमें पूरे साल भर देने हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी है जो सर्दियों में ज़्यादा करनी होती है और गर्मियों में इनकी क्वांटिटी कम करनी होती है। तो गए, अब क्वांटिटी की बात करते हैं कि मैंने कितना कितना लिया हुआ है। दोस्तों, मैं हमेशा क्या करता हूँ कि जो बाजरा है ये मैं गर्मियों में है जो बाजरा 60% देता हूँ और कंगनी 40% देता हूँ। दोस्तों, मैं शुरू से देता आया हूँ और मुझे आज तक कोई भी नुकसान नहीं होता। और जो है वो मैं सर्दियों में बाजरे की क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ। मेरे बर्ड्स है जो बाजरा काफ़ी शौक से खाते हैं और कुछ भाई खाली कंगनी खिलाते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमारे जो बर्ड्स है वो बाजरा नहीं खाते। तो दोस्तों, उन्हें आदत डालनी पड़ती है, धीरे धीरे है जो बाजरे की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी करके ज़्यादा करें। जो कंगनी है वो 40% हो गई, यानी कि 400 ग्राम कंगनी की है मैंने और 600 ग्राम मैंने बाजरा की है। और दोस्तों 30 ग्राम है जो सूरजमुखी की है और 30 ग्राम ही मैंने कुसुम की है। तो दोस्तों, ये हमें एक बार कम ही रखने हैं सूरजमुखी, क्योंकि अभी गर्मी चल रही है। दोस्तों, इसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा ना रखें, इससे है जो बर्ड्स की आंखों की प्रॉब्लम भी हो सकती है। रखें दोस्तों, लेकिन कम मात्रा में रखें, क्योंकि ये काफ़ी जो है वो फ़ायदेमंद भी होता है फीमेल बजीज के लिए। और ये दोस्तों जो है, तो जो मैंने दोस्तों है जो ये 50-50 ग्राम रखे हैं, जो और जई, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही है जो ठंडे होते हैं। तो ये तो मैंने आपको रेशियो बताने के लिए है जो अलग किया है। वैसे दोस्तों मैं एक बार में बजरी तोतों के लिए 20 kg के करीब सीड बना के रख देता हूँ और वो कुछ टाइम तक चल जाता है, और जब वो ख़त्म होता है तो और 20 kg और बना लेता हूँ। तो इस तरीके से करता हूँ। बाकी दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि ये हमें कहाँ पे मिलेंगे और इनकी क्वांटिटी क्या क्या रखनी है और इनकी जो है वो तासीर कैसी होती है। तो मैंने आपको बाजरे की तासीर नहीं बताई। ये दोस्तों ज़्यादा गर्म नहीं होती, गर्म होती है लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं होती, सर्दियों में इसे ज़्यादा खाया जाता है। और ये जो कंगनी है ये न तो
ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही ज़्यादा गर्म होती है। तो ये 12 महीने बर्ड्स खाते हैं और हर बर्ड्स इसे काफ़ी शौक से खाते हैं। तो दोस्तों ये हो गई जो है वो तासीर की बात। अब दोस्तों इसमें मिलाते हैं इनको आपस में। ये दोस्तों पहले जो बाजरा मिलाते हैं और उसके बाद है जो कंगनी मिलाते हैं और ये सूरजमुखी हो गई, ये कुसुम दाना हो गया, ये जो हो गए, ये जई हो गई। तो अब दोस्तों इन्हें आपस में है जो अच्छी तरीके से मिला लेना है। और दोस्तों वैसे इनमें काफ़ी तरीके के सीड मिलाए जाते हैं, मैं नॉर्मली यही मिलाता हूँ। सर्दियों के मैं सीड मिक्स बनाता हूँ, उसमें मैं काफ़ी चीज़ें मिलाता हूँ, गर्म टाइप की चीज़ें जो कि बर्ड्स के लिए काफ़ी है जो फ़ायदेमंद होती है। तो गर्मियों में दोस्तों मैं ओनली फॉर यही सीड यूज़ करवाता हूँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने हैं। इस वीडियो में है जो किसी भी चीज़ की प्राइस नहीं बताई है, क्योंकि दोस्तों प्राइस बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर जगह पे है जो प्राइस कम ज़्यादा होती रहती है। क्योंकि मेरे यहाँ पे कंगनी थोड़ी महंगी मिलती है, काफ़ी दोस्त है वहाँ पर कंगनी है जो सस्ती मिल जाती है, 50 रुपये 45 रुपये के करीब ही मिल जाती है, लेकिन मुझे कंगनी थोड़ी महंगी मिलती है। और कुछ भाइयों के यहाँ पर बाजरा महंगा मिलता है लेकिन मुझे बाजरा सस्ता मिलता है। इस तरीके से दोस्तों रेट होती रहती है। तो जो है वो मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है क्या क्या मिलाना है, किस क्वांटिटी में मिलाना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और जो है वो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक बात ये भी कहना चाहूँगा, आप कभी भी सीड मिक्स ज़्यादा ना बनाएं, उसी हिसाब से बनाएं, ताकि है जो ऐसा ना हो कि गर्मियों का सीड बना रहे हैं, ज़्यादा बना लिया और वो सर्दियों तक भी चला रहे हैं, सर्दियों का सीड गर्मियों में चला रहे हैं, इससे अपने बर्ड्स को नुकसान हो सकता है। क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा गर्म चीज़ें दी जाती हैं और गर्मियों में कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा गर्म चीज़ें अपने बर्ड्स को ना दें। तो दोस्तों जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँगा, नए इन्फॉर्मेशन से वीडियो लेके आऊँगा, तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल फ़ोन तक या कंप्यूटर पर आ जाएगा।